चेंबूर उद्याचल निवास को आप हाउसिंग सोसाइटी सुभाष नगर की विशेष सर्वसाधारण सभा समापन हुई, जिसमें बायलाज ग्रहण किया गया और सभी सभासदों को अतिरिक्त 5 शेयर देने का निर्णय लिया गया। इस अवसर पर सोसाइटी के चुनाव में खड़े उम्मीदवारों को चुनाव अधिकारी कैप्टन फर्नांडिस ने चुनाव चिन्ह वितरित किया। ये चुनाव 17 मार्च को होना निर्धारित है। हिंदुस्तान की आवाज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद मुकीम शेख। आइए देखते हैं आज के मुख्य समाचार। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सभी खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद मुकीम शेख। जैसा कि पूरे भारत में 2024 में चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां तेज हैं, ऐसे में ही मुंबई के चेंबूर इलाके के सुभाष नगर में भी चुनाव बड़ी ही तेज़ी से यहां पर करवट ले रहा है। तो ऐसे में हम यहां के जो चुनाव अधिकारी हैं और यहां के जो भी जिम्मेदार लोग हैं, हम उनसे मिलते हैं और जानते हैं कि किस तरह का चुनाव है और उसकी क्या प्रक्रिया है और क्या क्या हो रहा है और क्या क्या होने वाला है। तो बिना देर किए हुए, जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारे साथ में यहाँ पर चुनाव अधिकारी जी हैं और हमारे मुंबई के वरिष्ठ पत्रकार भी हैं और सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं, वो भी मौजूद हैं और सारे लोग मौजूद हैं। हम सभी से उनका परिचय भी लेंगे और जानना चाहेंगे। सबसे पहले सर, आप अपना नाम बताइए। इसको छोड़ दीजिए, सॉरी। मेरा नाम है कैप्टन मेनिनो फ्रांसिस्को ग्रेगरी फर्नांडिस। मैं प्राधिकृत अधिकार हूँ। स्पेशल जनरल बॉडी मीटिंग AGM का जो है वो मीटिंग का भी मैं प्राधिकृत अधिकारी है। प्लस मैं ये सोसाइटी का ये जो है चेंबूर उदयचल निवास CHS लिमिटेड का निवड़क अधिकारी भी है। आज मुझे बुलाया था इन लोग का जो है SGBM लेने के लिए। दो मुद्दे थे। एक मुद्दा था जो है अडॉप्शन ऑफ बायलॉ 2014 का, वो करना ज़रूरी है कि अडॉप्शन नहीं करते तो 89 की कार्रवाई होती है और वो कार्रवाई में मैनिंग कमेटी दरखास्त भी हो सकते हैं। फिर एक और एक कार्रवाई था, वो है शेष एडिट 250 का शेष एडिट देना चाहिए सब जन को, 5 मेंबर 5 शेयर्स ईच देना चाहिए। वो भी ज़रूरी है कि वो बायलॉ नंबर 19 में लिखा है 19A1 में, दैट मैं आपको पढ़ के दिखाता हूँ और मेरे पास पुरावा भी है। जो भी है पुरावा के मुताबिक करते हैं और कानून के दरमियान में और कॉपरेटिव का सर्कुलर में देखो 19A1 में एप्लीकेंट हैज फुल पेड वैल्यू ऑफ एटलीस्ट 10 शेयर ऑफ द सोसाइटी। तो अभी ये सोसाइटी में ऐसा हो गया है क्या, इन लोग के पास खाली 5 शेयर्स है, 5 शेयर्स अभी 5 शेयर्स और देना है तो मेंबर से 250 रुपया लेके फिर बाद में उसको एडिशनल शेयर्स बोल के उन लोग को खाते में जमा करना है और फिर वो जो है ऑडिटर्स रिपोर्ट में भी आएगा। ऑलरेडी वो लोग का शेयर प्रीमियम है 9000, 36 मेंबर है इसके लिए 9000 है 250 का हिसाब से, तो और ये जो 250 होएगा उसका 36 होएगा तो और 9000 वो, लेकिन वो आएगा इसमें एडिशनल शेयर बोल के आ जाएगा, ठीक है। और ये है अडॉप्शन ऑफ बायलॉ। ये अडॉप्शन ऑफ बायलॉ का बहुत ज़रूरी है क्यों, और इसका जो कॉपी एक एक मेंबर लोग को भी देना ज़रूरी है क्यों। इससे क्या होता है क्या, मेंबर लोग जागरूक होते हैं और मैनिंग कमेटी भी जागरूक होते हैं तो इन लोग को होना मालूम होना चाहिए क्या चल रहा है। और सोसाइटी जो है 10 रुपये ले रहे हर महीने एक एक मेंबर से फॉर एडुकेशन। एडुकेशन ज्ञान रहना ज़रूरी है और विदाउट ज्ञान आज का दुनिया में बहुत आगे पीछे, कोई आगे पीछे चल नहीं सकते, ज्ञान रहना ज़रूरी है। तो इसके लिए अडॉप्शन ऑफ बायलॉ ये कर रहा है और शेयर सर्टिफिकेट करना है। तो आज उन लोग का दो प्रक्रिया हमने पार किया है हमने। और अभी ये जो है आज का एक चेयरमैन ने हमको बताया था, ये साहब जो हमें बाजू में बैठे क्या सर्कुलर के बारे में, वो जो सर्कुलर हमने उसको भेजे थे तो उसका भी वो एक डाउट था। इलेक्शन का जो है अभी इलेक्शन का माहौल चालू है पूरे देश में, महाराष्ट्र में और दूसरे देशों में, अपना दूसरे स्टेट में भी, तो वो प्रक्रिया के लिए बोलता है अभी साहब हमारा जो अभी इलेक्शन का प्रोग्राम आया आपने भेजा था वो नोटिस, एक नोटिस सर्कुलर आया था स्टेट गवर्नमेंट से कि 28 फरवरी 2024 का क्या इलेक्शन को पोस्टपोन करने के लिए 31 मई के बाद। लेकिन अभी ये सोसाइटी में इलेक्शन प्रोग्राम ऑलरेडी लग चुका था,
और इलेक्शन प्रोग्राम लगा था 23 फरवरी 2024 में, तो 23 में लग गया, तो अभी सर्कुलर आया 28 का, तो उसका पालन करना ज़रा मुश्किल है। और ये इलेक्शन जो है 17 मार्च को है, तो अभी आज तो 3 मार्च हो गए, 14 दिन में ये प्रक्रिया ख़त्म हो जाएगी। और मेरे को अभी तक कोई चुनाव का आमंत्रण नहीं आया, मुझे मेरे को इनविटेशन नहीं है, भाई कैप्टन साहब आप आओ, हमको स्टेट का इलेक्शन के लिए आपकी ज़रूरत है, तो अभी कोई आया नहीं, तो मैं ले सकता हूँ इलेक्शन, इन लोग का इलेक्शन ले सकता हूँ, और मैं कोई कानून का उल्लंघन नहीं कर रहा हूँ, और या तो हमारा शासन का भी उल्लंघन नहीं कर रहा है, जो आपका जो सर्कुलर भेजे 28 मार्च का सर्कुलर है, क्रमांक नंबर 1524 प्रक्रिया 2913S, ये जो है राज्य संदर्भ राज्य सहकार निवड़ूक प्राधिकरण महाराष्ट्र राज्य पुणे से ये आदेश आया है। और जो सही करना है अनिल जयराम चौधरी कार्यसन अधिकारी महाराष्ट्र शासन, ये व्हाट्सएप पे है, मैं आपको नहीं बता सकता हूँ तो इसके लिए, लेकिन मैं जो बोल रहा हूँ वो काफ़ी है। देखो क्या है, मेरा एक ये है कि जो भी है कानून के दरमियान में रह के काम करना है, और मैं जो है स्पष्टकरण बोलें तो मैं चेयरमैन को सेक्रेटरी और खजींदार को मैं कुछ छुपाता नहीं, क्यों, ये कानून है, ये कानून से हमको जाना है। अभी ये भी बुक भी उन लोग का भी अच्छी बात है कि उन लोग ने जो मैं बोल रहा हूँ वो लोग बोलते हैं हाँ साहब आपने आपको गाइड किया अच्छा है, तो वो गाइडेंस मार्गदर्शन जो करते हैं वो लोग बराबर करते हैं, पालन भी करते हैं, ठीक है। उससे और मेरे को और कुछ बोलना नहीं है, आप कुछ चाहिए तो आप सेक्रेटरी साहब से पूछे, चेयरमैन साहब है इधर बाजी में, खाजिंदार है और मेंबर है इधर, तो वो लोग से पूछना चाहते हैं पूछ सकते हैं। आप एक बार अपना नाम फिर से और आप कौन सी जिम्मेदारी निभा रहे हैं फिर से एक बार बता दें। मेरा नाम है कैप्टन मेनिनो फ्रांसिस्को ग्रेगरी फर्नांडिस, मैं प्राधिकृत अधिकारी है, मैं निवड़ूक अधिकारी है और मैं AGM भी करता हूँ। देखिए ऐसे में हमारे साथ में मौजूद है धर्मवीर चौधरी साहब, हम उन्हीं से जानेंगे, उनका परिचय जानेंगे और यहाँ पर आज क्या क्या किन किन कामों को अंजाम दिया गया है और क्या क्या होने वाले हैं पूरी जानकारी उन्हीं से लेंगे। सर आप अपना पहले परिचय दीजिए। धर्मवीर सिंह चौधरी, मैं इस बिल्डिंग का चेयरमैन हूँ, सुभाष नगर चंबूर उदयाचल कोऑपरेटिव सोसाइटी का, और हमारे निवड़ूक अधिकारी हैं फर्नांडिस साहब, बराबर हमारे सेक्रेटरी मिश्रा जी हैं, मालिम साहब हैं और हमारे लोहार साहब हैं मेंबर। सबसे पहले मैं बता रहा हूँ कि मुझे बड़ी खुशी है कि हमारे सेक्रेटरी साहब ने अच्छे चुनाव ऑफिसर को, इलेक्शन ऑफिसर को अपॉइंट किया, क्योंकि अच्छे आदमी मिलना और बराबर समझाना, अच्छे तो सभी होते हैं लेकिन उसको एकदम माइक्रो लेवल पे जाके समझाना हर आदमी नहीं करता। इन्होंने एक एक पॉइंट हमको माइक्रो लेवल पर समझाया, जो जिसमें भी हमारा डाउट तक क्लियर किया, और जो इलेक्शन से कनेक्टेड नहीं है वो भी हमको एडिशनल जानकारी दी उनको, तो वो काबिले तारीफ़ है इनका। और आदर्श आचार संहिता का पालन करते हुए आज तक एक एक काम हमने अगर इनको बोला तो उन्होंने क्लियर मना कर दिया, नहीं कि वो उसमें नहीं बैठता है, किसी का फेवर नहीं किया, बहुत अच्छी तरह से आदर्श संहिता का पालन करते हुए उन्होंने कार्य किया और आगे भी ऐसी करेगा। मैं ज़्यादा समय लेते हुए अपने शब्दों को विराम देता हूँ, धन्यवाद, जय हिंद जय भारत। इससे में हमारे साथ में मौजूद हैं मुंबई के वरिष्ठ पत्रकार सामाजिक कार्यकर्ता अश्विनी कुमार मिश्र जी, हम उनसे जानेंगे कि यहाँ पर वो किस भूमिका को निभा रहे हैं। आज मैं चेंबूर उदयाचल निवास कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी का मैं सेक्रेटरी हूँ, और एक हमारे यहाँ एक प्रोसीडियर नहीं हुआ था, मैं सेक्रेटरी हूँ इसलिए ये जिम्मेदारी मेरी थी कि ये काम मैं कराऊं, और मुझे कोई अच्छा व्यक्ति नहीं मिल रहा था जो इस प्रोसेस को समझे, बायोलॉज को समझे, सोसाइटी कोऑपरेटिव सोसाइटी के सारे नियमों का पालन करे, तो मुझे कैप्टन फर्नांडिस मिले। कैप्टन फर्नांडिस माडा के चैनल पैनल पर इलेक्शन अधिकारी के रूप में हैं, और सबसे बड़ी बात इनके साथ ये है कि ये सेना के रिटायर्ड व्यक्ति हैं, इसलिए मुझे ये पसंद है, और इनका सब चीज़ ट्रांसपेरेंट है। भले मुझे थोड़ा अटपटा लगता है, मैं कभी चिढ़ भी जाता हूँ, मन में चिढ़ता हूँ, इनको तो नहीं बोलता तो, लेकिन ऐसा लगता है कि ये ट्रांसपेरेंट काम करने के लिए ये व्यक्ति बहुत सही है। दूसरी बात यह है कि बायलॉज हम लोग सोसाइटी का काम करते हैं, सोसाइटी के काम करते करते सब चीज़ की जानकारी नहीं होती है,
लेकिन एक निष्णात व्यक्ति, एक विद्वान व्यक्ति, एक जो इस चीज़ को समझता है कि बायलॉज क्या है, कानून क्या है, सहकारिता कानून क्या है, उस पर उनकी नज़र है और इनका बड़ा अध्ययन है उस पर। तो मैंने जब इनको बताया कि मेरा बायलॉज, इन्होंने पूछा था कि आपने अडॉप्ट किया, लेकिन हमने अडॉप्ट किया था 2003 में, लेकिन उसकी कॉपी नहीं मिल रही थी, तो इन्होंने कहा कि आप कर लीजिए, और वो प्रोसेस में नहीं हुआ था। तो उनके बताए अनुसार, क्योंकि हम पर कोई कार्रवाई ना हो जाए, सोसाइटी सुरक्षित रहे, और बायलॉज होना ज़रूरी है, बायलॉज से ही हम चल रहे हैं, तो आज हमने एक स्पेशल जीएम बुलाया था जिसमें हमने बायलॉज को अडॉप्ट किया। इसके साथ साथ एक त्रुटि और निकली हमारे इसमें, जब ये इलेक्शन के लिए हमारे पास आए, कराने के लिए आए, तो उन्होंने बताया कि आपने एडिशनल शेयर, जो कि बहुत पहले से प्रावधान महाराष्ट्र के बायलॉज एक्ट में, सहकारिता एक्ट में पास हो गया था, वो हमने अडॉप्ट नहीं किया था, 250 एडिशनल शेयर देने का, तो उसकी भी सहमति आज हमने स्पेशल जनरल बॉडी के हिसाब से मैंने आज की, और ये प्रक्रिया आज ये पूरी हो गई है। दूसरी बात यह है कि हम एडिशनल शेयर सर्टिफिकेट सभी सदस्यों को दे रहे हैं, ₹250 का एडिशनल शेयर सर्टिफिकेट सबको इशू होगा, और इसके उपरांत ये काम पूरा होगा। आज हमारे फर्नांडिस साहब ने जो किया है, ये एक उदाहरण है। मैं चाहूँगा कि यहाँ की सारी सोसाइटियाँ, चेंबूर, सुभाष नगर, तो क्योंकि मैं यूनियन और फेडरेशन का काम देखता हूँ, तो इसके माध्यम से मैं ये सारी सोसाइटियों को ये बताना चाहता हूँ, जो यहाँ 57 सोसाइटियाँ हैं, कि इस तरह के नियम को फॉलो करें। और मैंने देखा है कि यहाँ रीडेवलपमेंट का जब इशू चल रहा है, उसमें ये अड़चनें आ रही हैं, वो पूछा जाता है वहाँ से माडा में कि आपका ये पूरा हुआ, ये नहीं हुआ, ये सब हुआ कि नहीं हुआ, तो ये सब चीज़ें हम लोग को करनी पड़ती है, और ये प्रावधान इन्होंने बता दिया। अब हम अलर्ट रहेंगे इनकी वजह से, जो मार्गदर्शन बना है। सबसे पहले तो मैं कैप्टन साहब का बहुत आभारी हूँ कि जो ज्ञानवर्धन उन्होंने मेरे लिए किया है, हमारी सोसाइटी के सदस्यों को किया है, इसके लिए मैं इनका धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। दूसरी बात, एक चीज़ है जो इलेक्शन का प्रोसीडियर इन्होंने चालू किया है, जो हमारे यहाँ 17 तारीख को होगा, इस 17 मार्च को, और ये हम एक एक प्रक्रिया को पूरी कर रहे हैं, जितना उनको उन्होंने इलेक्शन प्रोग्राम दिया है उस प्रोग्राम के हिसाब से। आज सिम्बॉल का वितरण हुआ है, क्योंकि हमारे यहाँ चुनाव होगा, पद कम हैं, लोगों ने ज़्यादा ये भरा है, तो आज चुनाव चिन्ह का भी वितरण यहाँ हुआ है, और उसके बाद ये चुनाव 17-3 को यहीं हम लेने वाले हैं, तो उसकी आपको जानकारी देंगे। और दूसरी बात, एक बात और हुई है कि देश में चुनाव का माहौल है, तो क्या है, आचार संहिता कभी भी लग सकती है, हम अखबारों में पढ़ रहे हैं, लेकिन हुआ ये है कि विधानसभा को कवर करते हुए, मैं विधानसभा को कवर करता हूँ, तो वहाँ पर जाने से पता चला कि यहाँ पर एक सर्कुलर कुछ निकलने वाला है, लेकिन वो जब मैं घर पहुँचा तो कैप्टन साहब ने मुझे व्हाट्सएप पे भेज दिया, गवर्नमेंट ने जीआर निकाला है कि आचार संहिता लग जाने के बाद कोई भी चुनाव सोसाइटी में नहीं होगी, जिनका लगभग 6000 सोसाइटियाँ हैं जिनमें चुनाव होने हैं, और वो चुनाव प्रक्रिया अब रुक जाएगी अगर उन्होंने चालू नहीं किया है। और ये 28 तारीख को आया, लेकिन हमारे यहाँ 23 फरवरी को हमने प्रोसेस शुरू कर दिया था, तो हम पर ये नोटिस लागू नहीं होता है, इसलिए हम कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं, और 17 तारीख को हमारा यहाँ की सोसाइटी का चुनाव सम्पन्न हो जाएगा। थैंक यू। मेरा नाम अहमद मालिम है और मैं यहाँ का ट्रेजरर हूँ सोसाइटी का, चेंबूर उदयाचल का। और आपको ये नमूद करना चाहता हूँ कि ये पहली बार, जैसे चेयरमैन साहब और सेक्रेटरी ने बताए कि कैप्टन के बारे में, ये हकीकत में कैप्टन है, जैसे शिप को चलाने वाला कैप्टन होता है, जिससे बहुत सारे बातें हमको आज मालूम पड़ी जो हमको पता भी नहीं थी। करीबन एक हफ्ते से हम लोग इनके साथ में बैठे हैं, बहुत सारे सोसाइटी के बारे में नियमों का हम लोग उल्लंघन करते हैं, नहीं करते, कहाँ गलत है कहाँ, सो सभी का हमको प्रावधान मिला। और ये बड़े ईमानदार ऑफिसर बोलने के लिए कह सकते हैं, वेरी ये हॉनेस्ट, ये करके इन्होंने काम चलाया, और बहुत ही ट्रांसपेरेंट है मेंबर के साथ भी। आज की जो मीटिंग होगी एकदम अच्छी सौहार्दपूर्ण वातावरण में होगी, सभी मेंबर भी इसके साथ बहुत खुश थे, तो बस यही मैं कहना चाहता हूँ। थैंक यू। एक बार फिर से आप अपना नाम और जिम्मेदारी बता दें। मेरा नाम अहमद हसन मालिम है और मैं यहाँ का चेंबूर उदयाचल का ट्रेजरर हूँ। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। ये आज जो यहाँ पर कमेटी में लोग हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जिस तरह फूलों का गुलदस्ता है, उसी तरह सभी समाज के, सभी जाति के लोग इसमें फूलों की गुलदस्ता की तरह है। तो हम उम्मीद करते हैं कि इसी तरह ये फूलों का गुलदस्ता हमेशा महकता रहेगा और यहाँ के इलाकों को हमेशा खुशबू से और अपने कामों से आगे बढ़ाता रहेगा। तो दोस्तों, अगर आप भी किसी चीज़ों से परेशान हैं, शासन प्रशासन में आपकी अगर सुनवाई नहीं हो रही है, तो आप हमें आवाज़ दें,
हम बनेंगे आपकी आवाज़, और आपकी आवाज़ बनेगी हिंदुस्तान की आवाज़।